हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका वीकेंड। हमारा तो ज़्यादातर वक्त, बल्कि बहुत ज़्यादा वक्त ही पार्क में गुजरा बच्चों के साथ खेलते हुए। मौसम ठंडा था लेकिन हवा तेज़ नहीं थी और धूप भी निकली हुई थी, तो ज़्यादातर बच्चों ने जो वक्त है वो पार्क में ही गुजारा है। 3-4 घंटे हम यहाँ पर बच्चों के साथ खेलते रहे हैं और आराम से बेंच वगैरह पर बैठे रहे हैं। इस दफ़ा वीकेंड पे हमारे कोई कुकिंग खास नहीं थी, बस सुबह का नाश्ता हुआ और उसके बाद फौरन हम लोग बच्चों को लेकर बाहर आ गए। क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है कि सैटरडे और संडे को बहुत हैवी नाश्ता कर लेते हैं, पराठे वगैरह, और उठा भी लेट जाता है, तो दोपहर ही हो गई थी यहाँ पर हमें। यहाँ पे बच्चों ने खूब भाग दौड़ की और खेले कूदे, तो काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, लेकिन यह है कि घर जाने से इनकार था, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं पे कोई इनके स्नैक्स वगैरह ले आए और यहीं बैठ के कुछ खा लिया जाए। आप लोग भी अपने वीकेंड की एक्टिविटीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका छुट्टी का दिन कैसा गुजरता है और क्या क्या खाया पिया जाता है, कहाँ जाया जाता है फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। यहाँ पर बच्चों ने अब झूलों को कह दिया था खुदा हाफिज़। फेवरेट गेम शुरू हो गई थी बैडमिंटन, और ये कि ये तो उनको बहुत पसंद है। हम चारों जब भी हमें मौका मिले, वीकेंड पे तो लाजमी है लेकिन वीकडेज में भी शाम के वक्त हम लोग ज़रूर खेलते हैं। बस घंटा दो खेलने के बाद हम लोग कुछ देर घर आए, आराम किया और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए और फिर रात हो गई, तो बच्चों की फरमाइश पे हम लोग बाहर आए। ये F11 का इलाका है, यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी और साथ में बच्चों के लिए KFC वगैरह लेना था। अमूमन हम लोग फैमिली पैक ही लेते हैं जिसमें 2 सिंगर और 2 चिकन पीस वगैरह होते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। बस ये हो गया हमारा रात का खाना और फिर हम लोग नेक्स्ट डे चले गए थे बच्चों को लेके बॉलिंग गली। यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और ये फर्स्ट टाइम था उनका, तो इसलिए उनको काफ़ी मुश्किल भी पेश आई कि इस तरह से खेलें और क्या करें, लेकिन यह है कि बच्चों ने भी और हमने भी खूब इंजॉय किया। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 घंटा गुजारा, बच्चे टैब से रॉब्लॉक्स से दूर रहे। इस तरह से वीकेंड जो है वो काफ़ी बेहतर हर वक्त होता है कि बस ये गेम खेल ली, वो गेम खेल ली और हर वक्त रॉब्लॉक्स हमारे घर में चलता रहता है। लेकिन बच्चों ने इस गेम को बहुत इंजॉय किया, बाहर जाने को, पार्क को और बॉलिंग को। आई होप कि आप मेरा ये व्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी देर बाद मैं ऐसी कोई वीडियो ला रही हूँ। अमूमन यही होता है कि कोई शॉर्ट वीडियो डाल दें या फिर रेसिपीज़ आ गई, तो इस दफ़ा कोई स्पेशल कुकिंग भी नहीं थी। कबाब हमारे शामी कबाब जो हैं चिकन के, वो बने पड़े हैं जो कि हमारे नाश्ते में काम आएंगे मंडे को, और आप उसकी रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं हमारी वीकेंड एक्टिविटीज़, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। यहाँ पर हो गई थी शाम संडे की और बहुत ही खूबसूरत था ये आसमान, कितने सारे रंग बिखरे हुए थे। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए थे बाहर और साथ में शाम की चाय के लिए कुछ लेना था, वो हमने क्या लिया वो मैं आपको एंड पे बताती हूँ। और ये देखिए,
कितना खूबसूरत मंज़र है, शाम का सूरज ग़ुरूब होने वाला है और इस वक्त हम लोग श्रीनगर हाईवे पे थे और इसके बाद ये हम घर के करीब पहुंच गए हैं। और यहाँ पे तकरीबन सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला है, साथ में ये आसमान को देखिए इसमें कितने सारे रंग हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, हल्के हल्के बादल और साथ में सूरज डूबता हुआ। और मुझे हमेशा से ही ये शाम का मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है और ख़ासकर इस्लामाबाद की शामें बेहद हसीन होती हैं। तो इस तरह से हमारे वीकेंड का इख्तिताम हुआ और अब हम घर जाके बना रहे हैं चाय। चाय के साथ हम खाएंगे मिठाई, हम गए थे चाशनी F7 में जो है और वहाँ से गाजर का हलवा, रसमलाई और ये बच्चों की फेवरेट जो है कलाकंद, गुलाब जामुन वगैरह इनको बहुत पसंद है तो वो हम साथ लेके आए और ये हो गया हमारा रात का खाना। उम्मीद है आपको मेरा ये वीकेंड व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी दे दीजिए। थैंक यू।